हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के नोटिस को लेकर के है। केस को डिस्कस करने का जो मेन कारण है वो ये है कि प्रेजेंट केस में एसएससी को जब सेक्शन 148 का नोटिस आया और एसएससी को रिटर्न फाइल करने के लिए कहा गया, तो जितना टाइम एसएससी को दिया गया 30 दिन का, उस 30 दिन के अंदर एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी और जो पीरियड अवेलेबल था उसके बाद अपनी रिटर्न फाइल करी, लेकिन पूरी असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इश्यू नहीं किया 148 की रिटर्न फाइल करने के बाद भी। तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी ये प्ली ले सकता है कि मेरे केस में सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इश्यू नहीं किया गया असेसमेंट कंप्लीट करने से पहले, हालांकि एसएससी ने अपने रिटर्न टाइम पे दाखिल नहीं की थी? यही इशू दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस डॉट इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड की। यह केस 460 आईटीआर पेज नंबर 532 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 नवंबर 2023 को आया। केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। यह केस असेसमेंट ईयर 10-11 का है। इस केस के अंदर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस दिया गया। यह नोटिस एसएससी को एसएससी के पुराने एड्रेस पर दिया गया। एसएससी ने नेक्स्ट ईयर की रिटर्न जो डिपार्टमेंट के साथ फाइल की थी वो पुराने एड्रेस पर की थी, लेकिन एसएससी असेसिंग ऑफिसर को अपने नए एड्रेस के बारे में इंटीमेट कर चुका था और जो नेक्स्ट ईयर की रिटर्न एसएससी ने पुराने एड्रेस पर फाइल की थी उसके बाद भी असेसिंग ऑफिसर ने जो नेक्स्ट ईयर का सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन था वो एसएससी को नए एड्रेस पर दिया था। तो एक बात तय थी कि असेसिंग ऑफिसर के पास एसएससी का नया एड्रेस है। एसएससी की यह दलील थी कि मुझको जो सेक्शन 148 के नोटिस का पता चला वो सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के नोटिस के रिसीव होने के बाद पता चला। कहने का मतलब यह हुआ कि जो सेक्शन 148 का नोटिस था वो एसएससी को टाइमली रिसीव नहीं हुआ जो टाइम में एसएससी को रिसीव होना चाहिए था। सेकेंडली, प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल की थी और पूरी असेसमेंट कर दी गई, लेकिन सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस एसएससी को इश्यू नहीं किया गया। इसलिए एसएससी की यह भी दलील थी कि क्योंकि मुझे सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस नहीं दिया गया इसलिए पूरी असेसमेंट नल एंड वॉइड है। इस केस के फैक्ट्स के अंदर एक यह भी इंपॉर्टेंट बात थी कि जो असेसिंग ऑफिसर का रिकॉर्ड था उसके अंदर जो एमसीए के अंदर एसएससी ने अपना रिकॉर्ड अपडेट किया था, अपना एड्रेस अपडेट किया था, वो भी अवेलेबल था और इसमें भी कोई दोराय नहीं था कि एसएससी अपनी सेक्शन 148 की रिटर्न फाइल कर चुका था। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरे मैटर को सुना तो दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि ट्रिब्यूनल ऑलरेडी ही इस फैक्ट को एग्जामिन कर चुकी है कि असेसिंग ऑफिसर के पास एसएससी का नया एड्रेस था और नया एड्रेस होने के बावजूद भी एसएससी को पुराने एड्रेस पर नोटिस इश्यू किया गया, इसलिए यह नोटिस इनवैलिड है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि एसएससी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो एसएससी को टाइम पर नोटिस रिसीव नहीं हुआ था उसका ऑब्जेक्शन भी रेस किया था, इसलिए जो डिपार्टमेंट की दलील थी कि सेक्शन 292(b) एप्लीकेबल होता है जो कि इस बारे में बात करता है कि नोटिस डीम टू बी वैलिड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, वो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि सेक्शन 292(b) में यह बात लिखी हुई है कि यदि एसएससी ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इस चीज को चैलेंज कर देता है कि उसको नोटिस टाइम पर नहीं मिला तो डिपार्टमेंट इस बात को एसएससी के अगेंस्ट नहीं ले सकता कि एसएससी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है, इसलिए अब नोटिस का ऑब्जेक्शन एसएससी नहीं ले सकता।
और दूसरा इस केस के अंदर क्योंकि एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस नहीं इशू किया गया एसएससी के रिटर्न फाइल करने के बाद, ये एक ट्राइट लॉ है कि यदि एसएससी अपनी रिटर्न फाइल कर देता है तो कोई भी असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के नोटिस के इशू किए बिना कंप्लीट नहीं की जा सकती। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस डॉट इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 460 आईटीआर पेज नंबर 532 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17th नवंबर 2023 को आया।